In this question, we have to find the remainder when 1 factorial whole square plus 2 factorial whole square plus 3 factorial whole square up to 100 factorial whole square is divided by 144. So this number is, that means 1 factorial whole square plus 2 factorial square plus 3 factorial square plus 4 factorial square up to, this is equal to 100 factorial square divided by 144 से डिवाइड है तो इसका हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. सो 1 फैक्टोरियल इज 1 का होल स्क्वायर इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4, प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, प्लस 4 फैक्टोरियल इज, दिस इज इक्वल्स टू 24. सो 24 का होल स्क्वायर क्या होगा, 24 इनटू 24 और आगे वाले डिजिट्स क्या होंगे, 5 फैक्टोरियल इज 120, सो दिस इज 120 इनटू 120 अप टू 100 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. सो इसको हम 144 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है. सो मींस रिमाइंडर क्या होगा, सो मींस वी नो दैट 24 इनटू 24 को हम 144 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. क्यों, क्योंकि इसको 12 से करेंगे 2 टाइम्स, इसको 12 से करेंगे 12, 12 से इसको फिर 2 टाइम्स, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. तो ऐसे हमारे पास रिमाइंडर रिमेनिंग टर्म्स का रिमाइंडर क्या आएगा, 0. सो मींस रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा, इन तीन टर्म्स पर, बिकॉज दिस इज लेस देन 144. तो इनका सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 36 अपॉन, उसको हम डिवाइड करेंगे 144 से, तो ये हमारे पास रिमाइंडर रहेगा. तो मीन्स 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 36 इज 41, मीन्स 41 को हम 144 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है 41. सो मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 41. सो इफ यू डिवाइड 1 factorial square plus 2 factorial square plus 3 factorial square up to 100 factorial square by 144, then remainder is 41. Remainder kya hoga? 41. So this is the answer for this question.